सो गाइज आज की वीडियो ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो एक ऐसे आदमी पे जो कि ना ही एक एक्टर है, वो एक बिजनेसमैन है, पोकर प्लेयर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एंड मेनली वो हम सब लॉन्डो के मसीहा है। नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, इसकी बात कभी करेंगे भी नहीं इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं। हम बात कर रहे हैं डैल बिल्जेरियन के बारे में। एंड अगर आपको डैल बिल्जेरियन के बारे में नहीं पता और आप इंस्टाग्राम पे हो, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बिकॉज डैन बिल्जेरियन इज रियली द किंग ऑफ इंस्टाग्राम। मतलब उनके फॉलोअर्स देखो और हमारे देखो ही मत। एंड बाय द वे, डैन बिल्जेरियन का फीड किसी एजुकेशनल प्रोस्पेक्टर फाइल से कम नहीं लगता, बिकॉज इनके हर पिक में ये खुद और इनके साथ एक दर्जन दीदियां हमेशा रहती है। एंड डैन बिल्जेरियन का नेटवर्थ राइट नाउ $200 मिलियन है। पर ट्रुको बालक, कहानी में ट्विस्ट है। एक ऐसा भी टाइम था जब इनके पास सिर्फ $750 बचे थे। अगर आपको भी मुझ जैसा $750 भी ज़्यादा लग रहे हैं तो फट से बिहाइंड द विलन को सब्सक्राइब करो और यहाँ जाओ, साथ में गरीबी पर होते। ये $750 में से $200 मिलियन कैसे बने? तो अगर आपको भी जानना है कि बिल्जेरियन भैया ने ये एम्पायर खड़ा कैसे किया, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स बिहाइंड डैन बिल्जेरियन्स $1 बिलियन माइंडसेट। डैल बिल्जेरियन वॉज बॉर्न ऑन 7 डिसंबर 1980 इन फ्लोरिडा। एंड बचपन से ही ना वो बहुत ज्यादा अमीर थे। इनफैक्ट ही यूज्ड टू लिव इन 11 BHK होम विद स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट और इतनी सारी जगह कि पूरा गांव ही आ जाए। बट लेटर उनके डैड को एक टैक्स फ्रॉड में ना अरेस्ट कर लिया गया, जिसके वजह से उनकी जितनी भी लग्जरी लाइफ थी वो अपसाइड डाउन हो गई। एंड लेटर उनको वो कॉलेज भी जाना पड़ा। बट जैसे ही उन्होंने वो अपने शुद्ध कदम उस कॉलेज में एंटर किए थे, उनको ऑनलाइन पोकर के बारे में पता चला। दूर से देखते ही उन्होंने ये कहा, बवाल चीज है वे। एंड वहां से हमारे बिल्जेरियन भैया का पोकर का करियर शुरू हुआ। बट इवेंचुअली ही लॉस्ट ऑल ऑफ हिज मनी। एंड फिर भी अपना पोकर करियर शुरू रखने के लिए उन्हें अपना गन कलेक्शन बेचना पड़ा, जहां से उन्हें वो $750 मिले। वाह भाई, कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल कर लिया, अनन्या पांडे से भी ज्यादा। बट आफ्टर सो मच मनी ही सेड दिस एंड आई कोट, माजी सटक ली है। यही बोला यार, पूछ लो जाके। एंड बाद में उन्होंने $750 से पोकर खेल के $10,000 बनाए। और फिर उसने सोचा कि यार इस पैसे को 25 दिन में डबल कैसे किया जाए। एंड इसलिए वो गए नहीं लक्ष्मी चिट फंड में, नहीं गए, वेगस चले गए। एंड वहाँ वेगस में प्रोफेशंस के साथ खेल के, सॉरी, जीत के उन्होंने $10,000 का $100,000 बनाया। एंड देखते ही देखते सब लोग डैन बिल्जेरियन को पहचान लग गए। दैट वॉज हिज स्टार्ट टुवर्ड्स बींग एन सेलिब्रिटी। एंड विद दैट फेम एंड मनी उन्होंने खुद की कंपनी स्टार्ट की, नेम इग्नाइट। एंड वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक सिगरेट्स, CBD ऑयल्स, वाटर बॉटल और वोडका सेल करते हैं। ये भगवान, ये कौन सा पाप किया था हमने? डैन बिल्जेरियन ने एक बार 5 दिन तक नॉन स्टॉप पार्टी की। पार्टी मतलब समझते हो ना, प्यारी समझ गई। एंड इसी नॉन स्टॉप पार्टी की वजह से उनको हार्ट अटैक भी आ गया था। एंड फटाक से उनको हॉस्पिटल में एडमिट ही किया था। एंड डिस्चार्ज के ठीक 12 घंटे बाद उनको दूसरा हार्ट अटैक भी आ गया था। फर्स्ट टाइम। एंड राइट नाउ डैन बिल्जेरियन हैज अ प्रीटी लैविश लाइफस्टाइल। मतलब हॉलीवुड हिल्स में उनका एक घर है, सॉरी मैंशन है, जिसमें उनके पास थिएटर, कोर्टयार्ड, जिम, स्विमिंग पूल, मतलब अपना ऐसा ही घर है, एक्सेप्ट फॉर द एमिनिटीज एंड द हाउस। सो बाय द वे, डैन बिल्जेरियन की नई बुक लॉन्च हो रही है मोस्टली अगले महीने। तो अगर आपको और जानना है डैन बिल्जेरियन के बारे में तो बुक ज़रूर पढ़ लेना। बेसिकली उन्होंने कहा था कि उनके बुक के टाइटल के लिए उन्हें नाम चाहिए। सो जो भी इंसान उन्हें एक अच्छा नाम प्रोवाइड करेगा उन्हें वो $5,000 का कैश प्राइज देंगे। वैसे मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, $5,000 आए नहीं अभी तक। सो एनीवे दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना एंड यार कमेंट जरूर करना आपके थॉट्स इस वीडियो के ऊपर। एंड अगर आप भी चाहते हो डैन बिल्जेरियन जैसे लाइफ जीने के लिए तो सबसे पहले बिहाइंड द बिल्स को सब्सक्राइब करो और हमारी दुआएं तो आपके साथ ही है। टिल देन कीप बिल्डिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।